हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GTU फ्लिक्स में। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारा यूनिट नंबर 2 है BEE का, जिसका नाम है AC सर्किट्स। और आज हम 7th लेक्चर चलाने वाले हैं। ओके, उससे पहले हम हमारा 6th लेक्चर एक बार रिकॉल कर लेंगे। हमारा 6th लेक्चर में क्या क्या था? तो हमारा 6th लेक्चर था जो हमारी प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में था। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सबसे पहले हमने उसकी सर्किट पुट की थी, उसके बाद हमने एक उसका इक्वेशन लिया था E=LdIdt, जो उसका EMF अक्रॉस एन इंडक्टर था। उसके बाद हमने अप्लाइड वोल्टेज और सेल्फ इंडक्टेंस EMF को, इंड्यूस EMF को, दोनों को इक्वल किया था। उसके बाद हमने उसका इंटीग्रेशन किया था। ओके, वो पूरा करते करते हमें उसमें प्रूफ करना था कि जो हमारा इधर जो हमारा करंट है वो हमारा वोल्टेज से लैगिंग कर रहा है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा आपको समझाया था। ओके, और उसके बाद हमने प्रूफ कर दिया था कि जो हमारा करंट है इधर सर्किट में से फ्लो हो रहा है वो हमारा लैगिंग कर रहा है। ओके, फिर पावर फैक्टर 0 आया था, उसके बाद हमने उसका वेव फॉर्म ड्रॉ किया था। उसके बाद हमारा स्टेप तो आपको पता है, ये पावर फाइंड करना था P=0 में प्रूफ करना था, तो उसके लिए हमने पहले इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड किया और उसके बाद हमने एवरेज पावर फाइंड किया। ओके, तो ये उस थोड़ी समरी थी हमारे लास्ट लेक्चर की। तो अभी हम शुरू करने जाने वाले हैं मोस्ट IMP टॉपिक्स। ये अभी हमारा चैप्टर नियर टू कंप्लीट होने का है, इसके बाद ये RC सर्किट और सीरीज पैरेलल का ही है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सब कुछ आगे का पढ़ा होगा। ओके, हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 7th लेक्चर। जो हमारा 7th लेक्चर है वो हमारा है RL सर्किट, सीरीज सर्किट। ओके, R मीन्स आपको पता ही होगा, R मीन्स रेजिस्टर और L मीन्स इंडक्टर, वो तो आपको पता ही है। ओके, उसके ऊपर का कुछ आज टॉपिक है सीरीज सर्किट। आपने 12th में भी ये पढ़ा होगा और ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? तो हमारा नेक्स्ट है, उसका सबसे पहले हम डायग्राम पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही हम GTU में मेन क्या फोकस करते हैं, मेन हम फोकस करते हैं डायग्राम पे। ओके, तो उसका डायग्राम सबसे पहले आएगा। इधर हमने डायग्राम ले लिया। इस डायग्राम में क्या है? डायग्राम में एक R है, RL सर्किट है, तो उसमें रेजिस्टर और हमारा इंडक्टर तो होने ही वाला है, उसका नाम पर से हमें पता चल जाता है। तो हमने एक रेजिस्टर लिया और एक इंडक्टर ले लिया। ओके, तो वो दोनों लेने के बाद क्या किया हमने कि उसके जो, देखिए इस रेजिस्टर के बीच का जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज वो कितना है? VR जितना है। ओके, और ये जो हमारा L है मीन्स इंडक्टर के बीच का जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है कितना है? VL है, वो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। और इसमें से जो पावर फ्लो हो रहा है वो I=IM sin ωt −ϕ। इधर माइनस फाइव का मीन्स क्या है कि हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा होगा? एब्सोल्युटली राइट, तो हमारा करंट है वो क्या होगा? लैगिंग कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारा वोल्टेज है, तो हमारा वोल्टेज क्या करेगा? वोल्टेज कौन सा है? एक्सटर्नल वोल्टेज, उसकी वैल्यू क्या है? V=VM sin ωt, वो तो हम पहले से ही लेते आ रहे हैं। देन है हमारी क्वांटिटीज, ये हमने पूरा डायग्राम में क्वांटिटी तो पुट कर दी, बट उसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी क्या क्या रिप्रेजेंट करती है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देन क्वांटिटी, ओके, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट कीजिए, आप ऐसे पॉइंट्स को देकर कीजिए जिससे एग्जामिनर को हेल्प हो कि आपको पेपर इजीली चेक कर पाएगा, तो ये आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ओके, तो इधर जो हमारा VM था वो हमारा क्या था? एक्सटर्नल वोल्टेज था, अप्लाइड वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज। ओके, देन हमारा जो ये इधर VR था, हम डायग्राम में देखते देखते ये करते हैं कि जो हमारा VR था वो हमारा क्या था? वोल्टेज अक्रॉस द R, ये हमारा R के, और VL क्या होगा? हमारा इंडक्टर के अक्रॉस से वोल्टेज होगा वो, और I है वो हमारा RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट, रिजल्टेंट करंट की RMS वैल्यू। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अभी थोड़ा हम राइटिंग भी कर लेते हैं हमारा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए इसलिए। तो ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में कौन कौन है? तो इधर हमारा R और जो हमारा L इंडक्टर है, दोनों सीरीज में है। ओके, इधर आप देख सकते हैं वो कि दोनों सीरीज में है। ओके, ड्यू टू द सीरीज में क्या होगा? तो सीरीज में होगा तो हमारा I क्या होगा, कैसा होगा? कॉन्स्ट जो है वो कैसा रिमेन सेम रहेगा, मीन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, वो तो आपको पता ही है, क्योंकि और हमारे पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। ओके, एंड देन करंट लैगिंग द वोल्टेज बाय VL बाय 90 डिग्री, इसीलिए हमने माइनस इधर लिया था, माइनस फाइव मैंने अभी आपको दिखाया। इधर हमने माइनस क्यों लिया था? माइनस फाइव क्योंकि हमारा करंट लैगिंग कर रहा है। ओके, VL का अक्रॉस, और जो हमारा VR है वो हमारा किसके? I की डायरेक्शन में है, सो उसका फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट में हम देखेंगे उसका फेजर डायग्राम। ओके, फेजर डायग्राम
तो आपको फेजर डायग्राम तो पता ही होगा क्या होता है। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम में क्या है, इधर एक क्वांटिटी ली वी एल, ओके, और नीचे इधर होता तो हम वी सी लेते, बट यहाँ पर हमारा वी सी तो है नहीं, कैपेसिटर वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट ये खाली आपको बताने के लिए मैंने बता दिया। ओके, तो इधर हम क्या लिया, वी एल ले लिया, ओके, वी एल, और इधर आई ले लिया, एक्स एक्सिस पे पुट कर दिया। तो हमारा इधर अपने ऊपर क्या बोला था कि जो हमारा करंट है, करंट इज इन फेज विथ वी आर, 0 डिग्री उनके फेज डिफरेंस है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन हो गए, तो वी आर और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में, और हमारा वी एल का करंट से 90 का जो है फेज डिफरेंस वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो ये दोनों के बीच खेत लाए 90 है, ये 90 आप देख सकते हैं, ओके, 90 बता दिया। तो अभी हमने क्या किया कि इनके दोनों को, ये हमारा वैक्टर में आपको पता है रिजल्टेंट वैक्टर रहते हैं, हमारा एक ये वैक्टर है और ये वैक्टर है, तो दोनों के बीच में से जो आएगा हमारा रिजल्टेंट वैक्टर हमने ले लिया, ओके, उसे फाइंड करने के लिए। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, तो ये दोनों का वी एल और वी आर का क्या होगा, सम ही होगा ऑब्वियसली, ओके, और उनके बीच का कुछ हमने अज्यूम कर लिया कि उनके बीच का कुछ एंगल है वो है फाई है, ओके, चलिए। तो ध्यान क्या होगा, इसे हमने ऐसे नीचे आ दे दिया, हम इतने ही ये मैं करता हूँ, हम इतने को ही फोकस करेंगे, ओके, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, हम ऐसे इतने को ही फोकस करेंगे, ये हमारा ट्रायंगल जैसा है ना उसको इतने की फोकस करेंगे, अभी देख लेते हैं कि इतने के ही फोकस करते हैं, ओके। द सप्लाई वोल्टेज वी इज फेजर एडिशन, ओके, जो हमारा ये सप्लाई वोल्टेज है वो हमारा फेजर एडिशन किस किस का है, वी आर और वी एल का, ओके। तो हमने ये वेक्टर को, आपको वेक्टर क्वांटिटी को पता ही है, ओके, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ओके, और वेक्टर क्वांटिटी को हमें हटाना होगा, तो हमें क्या करते हैं, हम अंडर रूट और जो क्वांटिटी उसका स्क्वायर कर देते हैं वेक्टर क्वांटिटी को हटाने के लिए, ओके। तो इधर हमने क्या किया, वेक्टर क्वांटिटी तो हटाने के लिए अंडर रूट और स्क्वायर कर दिया, ओके। इधर हमारा वी आर है, वी आर हमारा क्या है, ओम का लॉ है, आई आर, ओके, वी बराबर वी इक्वल टू आई आर, ओके, और हमारा वी एल जो हमने आगे हमने पढ़ा था इंडक्टिव सर्किट में प्योरली कि वी एल इक्वल टू आई एक्स एल, वो भी मैंने आपको समझा दिया था, ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि वी इक्वल टू अंडर रूट, ये कैसा है वो भी बता दिया मैंने, और हमारा ऊपर की है हमारी वी की, ये हमारा जो वी वी आर और वी एल की दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने इधर, तो वैल्यू पुट कर दी, इज इट सिंपल, ओके। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ओके, चलिए। ध्यान हमने क्या किया, आई को कॉमन निकाल लिया, इधर अंडर रूट है आई स्क्वायर इंटू, और जो हम अंडर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, 1/2, तो ये 2/2 निकल जाएगा, तो हमारा आई अकेला बचेगा, तो इधर हमारा अकेला आई ही बचा है, ओके। ध्यान हमने क्या किया, इस आई को इधर डिनोमिनेटर में जाने दिया, और वी अपॉन आई इक्वल टू जेड, जेड मीन्स क्या होता है हमारा, करेक्ट, हमारा इम्पीडेंस होता है, तो ये हमारा इम्पीडेंस हमने यहाँ पुट कर दिया, बाकी का एज इट इज ही, ये हमारा फ्रेजर रिप्रेजेंटेशन से हमें मिला, ओके। फेजर डायग्राम के बाद हमारा क्या आएगा, इम्पीडेंस ट्राइंगल आएगा, तो वो भी देख लेते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल क्या होता है। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल हमारा फेजर ट्राइंगल जैसा ही आप देख सकते हैं, इधर भी ये वी एल था, तो हम वी एल को इधर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा है एक वाई एक्स, और इधर भी वाई एक्स ही हम कह सकते हैं ना, तो दोनों ये सेम ही होगा, ये भी वी एल होगा, तो ये भी वी एल हो सकता है, ओके। तो इसे भी हमने वी एल ले लिया, ओके, इधर तो वी आर था ही, और इसके फेज में कौन था, करंट, वो भी आपको बताया, उसके बीच का डिफरेंस फाई, ये पूरा हमने फेजर डायग्राम में किया था, बट हमने इधर फेजर डायग्राम में क्या किया था, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, ओके, बट यहाँ हमने क्यों लिया, सेड लिया, ओके। तो टेन आपको पता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो सामने वाली साइड होती है अपॉन में जो नियरर साइड होती है उसका वो टेन का फॉर्मूला होता है। तो इधर सामने वाली कौन सी साइड है, तो वी एल है, तो वी एल अपॉन में हमारी नियरेस्ट साइड, तो नियरेस्ट साइड कौन सी है, वी आर, तो वी एल बाई वी आर कैसा है पता चल गया आपको, और वी एल और वी आर की हमने वैल्यू अभी ऊपर देखी जो है एक्स आई एक्सएल अपॉन आई आर, तो आई आई कट हो जाएगा, तो एक्सएल अपॉन आर बचेगा, ओके। और टेन को इधर से टेन फाई है, तो इधर हम इन्वर्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा, ये टेन इन्वर्स हो गया, इज दैट क्लियर, ओके, चलिए। तो ये हमारा क्या था, तो हमारा इम्पीडेंस ट्राइंगल पे हमें फॉर्मूला, वो हमारा उतना एंगल कितना है वो हमें, और ये सब मैंने रेड किया हुआ है ना, ये रेड साले सबके सब वो है हमारे हमारे सम्स में पूछा जाता है ये सारे के सारे, तो आप याद रख लीजिए ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, ओके, चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, आप कट करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कर सकते हो, अगर 2-3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो आप ये कीजिएगा ज़रूर, ओके, चलिए। फिर क्या हमारा करंट वोल्टेज वेवफॉर्म, ओके, करंट वोल्टेज वेवफॉर्म, वो तो हमारे पास पहले से ही आता है, ओके। तो ये हमारा रेड वाला है वो कौन सा है, वो हमारा ऑब्वियसली वोल्टेज होगा, जो हमारा कितना है वी एम,
साइन ओमेगा, ओके वी एम साइन ओमेगा होगा, ओके। और ये हमारा ग्रीन वाला है, वो ग्रीन वाला क्या है हमारा, तो हमारा ग्रीन वाला जो है वो हमारा करंट है, ये हमारा करंट है, इज दैट क्लियर, ये हमारा ग्रीन वाला करंट है, उसका क्या होगा आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इज दैट क्लियर। चलिए तो वो भी पता चल गया, तो हम उसके दोनों का फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू, तो ये आप देख सकते हैं इधर फेस डिफरेंस फाई है, वो पाई बाई टू है। चलिए तो ये हमारा करंट वोल्टेज वेवफॉर्म हो गया। अब हमारा ये है हमारा लास्ट, हमारा सब में लास्ट क्या पावर ही ढूंढने को होता है, तो इधर भी हम क्या करेंगे पावर ही ढूंढ लेंगे। तो चलिए पावर ढूंढ लेते हैं, तो इधर हम पावर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हर बार का हमें पावर का फॉर्मूला तो पता ही है, हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वल टू वी आई, ओके। और हमारा इधर वी का भी हमको हर बार पता ही होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, और ये अकॉर्डिंग टू हमारा थीटा चेंज होता रहता है, तो वो एक आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो सब सेम ही है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इज इट क्लियर। दोनों के पुट कर दी, ओके। फिर हम क्या करेंगे, आँख बंद करके अब तो हम बोल सकते हैं कि वी एम और आई एम को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, वी एम आई एम को बाहर निकाल लिया, और दोनों साइन है, तो इधर हम क्या करेंगे टू को मल्टीप्लाई करेंगे और टू को डिवाइड करेंगे, तो ये हमने टू से मल्टीप्लाई किया, टू को डिवाइड किया, और ये आपको मैथ्स में आप अब क्या करेंगे, अब हमारा मैथ्स का एक फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि टू एस एस इक्वल टू सी माइनस सी, इधर एस एस रिप्रेजेंट करता है साइन को और सी सी रिप्रेजेंट करता है कॉस को, ओके। तो कॉस माइनस ये कैसे आया, तो ये बता देता हूँ, तो ये हमारा टू, ये हमारा इधर टू है, ओके। फिर साइन ए, तो इधर साइन ए हमारा क्या होगा ओमेगा, साइन एस की जगह साइन होगा और ए की जगह ओमेगा टी होगा, और हमारा एस इधर साइन होगा और बी हमारा क्या होगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें माइनस करना है ए माइनस बी कॉस में, और माइनस कॉस ए प्लस बी करना है, ओके। चलिए तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम हमारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को हम सामने ही रखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, तो इधर हमने क्या किया सिंपली, सिंपली हमने क्या किया कि एस एस है तो हमें साइन ए, साइन वो पूरा हमें तो यही पुट करना है एंडिंग में, तो कॉस ए माइनस ये हमारा पूरा काउंट्स आ जाएगा, तो हमने कॉस ए माइनस ये पूरा हमारा ब्रैकेट आ गया, ओके। और माइनस तो माइनस सी ए प्लस बी, तो सी ए प्लस बी, तो हमारे ए प्लस पूरा ब्रैकेट आ गया बी, इज दैट क्लियर, सिंपल था। चलिए तो इसमें से क्या होगा, फिर ओमेगा टी कट हो जाएगा, ओके। इन दोनों का एडिशन होकर टू ओमेगा टी होगा, ओके। टू ओमेगा टी माइनस फाइव एज इट इज़ रहेगा, और आपको पता है कि कॉस जो है हमारा ऑड इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन क्या कर देता है माइनस को नेगलेक्ट कर देता है, वो माइनस को गायब कर देता है, ऐसा मैथ्स है हमारा थोड़ा, वो तो आपको पता ही चलना चाहिए। तो इधर जो माइनस था वो नेगलेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन में माइनस गायब हो जाता है, ओके। चलिए देन क्या होगा, तो हमारा कॉस माइनस ये हमारा इतना आ गया, ओके। देन हमारा इनमें जो वी एम आई एम बाई टू था, इधर हमने अंदर उसको जाने दिया, इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, ओके। तो चलिए तो क्या हो गया हमारा वी एम आई एम बाई कॉस फाई और वी एम आई एम बाई कॉस टू ओमेगा टी, दोनों को एक एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इट क्लियर। इसमें जो हमारा पहला वाला टर्म है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, कैसा टर्म होगा कांस्टेंट टर्म, और जो हमारा सेकंड वाला है, जो हमारा ये सेकंड वाला है वो कैसा है पल्सुएटिंग टर्म, ओके। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई कांस्टेंट टर्म होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पल्सुएटिंग मीन्स ऐसा ऐसा उसकी वैल्यू चेंज होती ही रहती है हमारा साइन वेव फॉर्म की तरह, ओके। चलिए तो उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन इधर लिखा गया है कि हमारा जो वी एम और आई एम है, वी एम और हमारा आई एम है जो वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म विच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कॉन्स्टेंट है, मीन्स उसके वैल्यू चेंज नहीं होती, इज इट क्लियर। सो इट विल कंटिन्यू द पावर, इट विल कंट्रीब्यूट द पावर कॉल्ड रियल पावर, जो पावर कंट्रीब्यूट करता है उसे रियल पावर कर बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, ओके। उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, इज इट क्लियर। चलिए और हमारा वी एम आई एम बाई टू कॉस ओमेगा टी टू ओमेगा टी माइनस फाइव, विच इज़ अ पल्सुएटिंग टर्म, पल्सुएटिंग टर्म मीन्स कि वो जो टाइम के साथ वेरी करता है, तो इधर हमने बोला भाई इट इज़ द वेरी विद द टाइम, इट इज़ एवरेज पावर ओवर द वन साइकिल इज जीरो, क्योंकि वो चेंज हो रहा है तो हमें पावर कैसा जीरो मिलेगा, ओके। चलिए तो हमें एक ही टर्म मिलेगा, क्योंकि इसका पावर अभी हमें एवरेज पावर ढूंढना हो, तो इसका पावर तो देखिए इसका पावर तो क्या हो गया जीरो हो गया, ये पावर हमारा इसका पावर तो हमारा जीरो हो गया सेकंड टर्म का, तो इसका ही पावर बचेगा, ओके। तो इसका पावर एवरेज पावर ढूंढेंगे अभी, तो हमने ये पूरा ले लिया, ओके। तो सो द पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो,
क्योंकि वो हमारा पावर जो हमारा सेकेंड टर्म का पावर था वो पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए वो तो पता चल गया हमारे इंडक्टिव सर्किट में वो पूरा एक ही टर्म बचेगा, तो एक टर्म हमने ले लिया पी इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई। ओके ये हमने सिर्फ यही लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीरो हो चुका है, तो यही लेंगे पी इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई। इज इट क्लियर? तो हमने वो ले लिया पूरा का पूरा। ओके और इधर हमने क्या किया, दोनों को दो दो दोनों के डिनोमिनेटर में वन वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू दे दिया, जो हमारा टोटल टू था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू मिलेगा, वो भी आपको पता है। ओके और वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू क्या होगा, सोचिए सोचिए ज़रा, इंटू कॉस फाई क्या होगा, राइट। ये आर एम एस वैल्यू का पोजिशन है कि वी इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए वो वीडियो। ओके तो वी आर एम एस, इधर मैंने आर एम एस नहीं लिखा क्योंकि उसको स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं ना, तो हम उससे में आर एम एस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस अगर आपने कैपिटल लेटर में ऐसे आई लिखा तो फिर आपको आर एम एस लिखना ही पड़ेगा। ओके वरना स्मॉल लेटर में चलता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा लेक्चर कम्प्लीट हो गया, सिंपल ही था। इसके बाद का लेक्चर हमारा कौन सा लेक्चर होगा, इसके बाद का हमारा जो लेक्चर होगा वो आर सी पे होगा। ओके आर सी मीन्स इसमें जो हमारा इंडक्टर है उसे हटा देंगे और उसकी जगह हम कैपेसिटर पुट कर देंगे, तो वो भी सिंपल ही होगा। ओके तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू अवर वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारा मेल आई डी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपको ये हमने जो पूरा पढ़ा है वो पीडीएफ के टाइप में टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू।